दोस्तों आज हमारे साथ बीके सुशांत जी हैं। सुशांत जी स्पीकर हैं और मीडिया कोऑर्डिनेटर नेशनल लेवल पर है ब्रह्म कुमारी के ये मीडिया कॉन्क्लेव 2023 के। सुशांत जी मुझे ज़रा बताइएगा, जो पहली बार ब्रह्म कुमारी के बारे में जानकारी जिसे मिले तो वो क्या समझेगा? पहले जानकारी मिले तो बहुत प्रकार की, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत प्रकार की मन में परसेप्शन आता है कि ये क्या है, हैं कि किस तरह का बहनों की संस्था है, बहनें ज़्यादा दिखाई देते हैं, सफ़ेद साड़ी में पहनते हैं, हैं और क्योंकि लोगों को इतना जानकारी नहीं होता है, जिनको जानकारी होता है तो वो तो तुरंत आ जाते हैं, और जो एक बार आता है वो बार बार आना दिल करता है, क्योंकि यहाँ का आध्यात्मिक माहौल, रूहानी वातावरण जो है ना, आत्मा को, रूह को आकर्षित करता है, और जो यहाँ आते हैं, सादगी, शीतलता, सात्विकता, ये जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम का जो मूल जो है वृत्ति है, प्रवृत्ति है, तो उसके द्वारा प्रभावित होकर अपने जीवन को भी परिवर्तित करने के लिए वो प्रभावित होता है और प्रेरित होता है। अच्छा, ये माउंट आबू में आपका कार्यक्रम चल रहा है, तो माउंट आबू में ये बहुत सुंदर वातावरण है, तो माउंट आबू में शांति वन के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी, माउंट आबू शांति वन जो है 1969 में इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो कॉम्प्लेक्स है पूरा निर्मित होकर कंप्लीट हुआ है, और उससे पहले माउंट आबू पांडव भवन और ज्ञान सरोवर ये सब निर्मित हुआ था। माउंट में भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं हमारे, लेकिन लेटेस्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारे माउंट आबू अंचल में यानी क्षेत्र में वो है शांति। ये माउंटेन के बेस पे है मुझे लगता है। ये फुटहिल कहते हैं इसको। हाँ। पर्वत चढ़ाई से पहले ही है, इसको तलहटी स्थान पर आबू रोड पे स्टेशन से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर ये है। 70 एकड़ कॉम्प्लेक्स में है और विभिन्न प्रकार के आवास निवास, डायमंड हॉल जिसको कहते हैं, एशिया का सबसे बिगेस्ट हॉल है, पिलरलेस है, और करीब 25,000 लोगों को बिठाने का यहाँ व्यवस्था है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है सारे देश विदेश में व्याप्त है, करीब 140 देशों में, ऑल 5 कॉन्टिनेंट्स में ये इसका शाखाएँ हैं, इसका ब्रांचेस है, राजयोगा केंद्र हैं। तो ये जो है शांतिवन जो है, जैसे नाम ऐसे है, उसमें मेडिटेशन हॉल्स है, बहुत सारे मेडिटेशन हॉल हैं, और कॉन्फ्रेंस हॉल है, सेमिनार हॉल्स है, और उसके बाद फिर एडिशन हुआ है इसके आसपास में कुछ ज्ञान, जैसे आनंद सरोवर। अच्छा, शांतिवन में आप एक साथ कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं? शांतिवन में करीब हम 20-25,000, जैसे हमने कहा सीटिंग कैपेसिटी, उस अनुसार हम 20-25,000 लोगों का एकोमोडेट कर सकते हैं। 20-25,000 एक साथ एकोमोडेट कर सकते हैं? क्योंकि हमारे गिर्द गिर्द बहुत सारे रहने का स्थान, हमने जैसे मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स है, संजय पार्क है, आनंद सरोवर है, तपोवन है, वहाँ जो है नदी के उस तरफ भी कॉम्प्लेक्स हमने बनाए हैं। अच्छा, तो करीब 20-25,000 को हम ठहरा सकते हैं, और जो भी सुविधा हमारे पास है, ट्रांसपोर्ट का, मेडिकल का, सब कुछ हम उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद सुशांत जी हमसे बात करने के लिए। दिस इज माधवी श्री फ्रॉम माउंट आबू ब्रह्म कुमारी शांतिवन। थैंक यू।